देवरिया जिले के बहुचर्चित फतेहपुर नरसंहार के बाद सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किए प्रेमचंद यादव के परिजनों की अपील जिलाधिकारी कोर्ट ने खारिज कर दी है। डीएम कोर्ट ने रुद्रपुर तहसीलदार के 11 अक्टूबर के फैसले को बरकरार रखा है। डीएम कोर्ट के आदेश के बाद जिले फतेहपुर कांड फिर से सुर्खियों में आ गया है। डीएम कोर्ट ने कहा है कि तहसीलदार न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना अनुचित और विधि की मंशा के विपरीत है। उनके न्यायालय से कोई स्थगन आदेश होगा तो उसे निष्प्रभावी और निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही ऐसी आशंका जताई जा रही है कि प्रेमचंद और उनके कई करीबियों के मकानों पर बुलडोजर गरज सकता है। फतेहपुर गांव 2 अक्टूबर 2023 को तब चर्चा में आया था जब जमीन के विवाद में जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इसके जवाब में उनके परिजनों और करीबियों ने पड़ोसी सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के 5 सदस्यों को मार डाला था। सत्यप्रकाश दुबे की बेटी शोभिता की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमचंद यादव समेत 27 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। नरसंहार की इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दी थी। इस नरसंहार में जातिवाद की भी जमकर राजनीति की गई थी। महीने भर तक फतेहपुर नरसंहार पर राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां सेकी। जहां एक ओर दुबे परिवार में बचे 2 बेटे और 1 बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी के सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी खुलकर फ्रंट फुट पर थे, तो मृतक प्रेमचंद यादव के पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी थी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद दोनों पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। डीएम के आदेश पर 4 अक्टूबर को एसडीएम न्यायिक सीमा पांडे के नेतृत्व में राजस्व टीम ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद के घर के आसपास की भूमि की पैमाइश की थी। मकान का 2/3 हिस्सा खलिहान में बना मिला था। ग्राम सभा ने रुद्रपुर तहसीलदार कोर्ट में वाद दाखिल किया। तहसीलदार ने 6 अक्टूबर को प्रेमचंद के पिता रामभवन गोरख और परमहंस को नोटिस जारी किया। आपत्ति आने पर 9 अक्टूबर को 15 सदस्यीय राजस्व टीम ने पुनः पैमाइश की। तीनों के मकान खलिहान नवीन परती और वन भूमि में बने मिले थे। तहसीलदार अरुण कुमार ने 11 अक्टूबर को बेदखली का आदेश सुनाया। इसके खिलाफ 30 अक्टूबर को रामभवन की बहू प्रेमचंद की पत्नी प्रेमशीला, गोरख की पत्नी विमला और परमहंस की पत्नी गुलाबपति के अधिवक्ता राम नगीना ने डीएम कोर्ट में अपील की। मामले में ठीक 2 महीने बाद 30 दिसंबर को डीएम अखंड प्रताप सिंह ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा है कि तहसीलदार न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना अनुचित और विधि की मंशा के विपरीत है, इसलिए अपील खारिज की जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।